हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्काई किंग एंड पिजन्स। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपसे काफ़ी कुछ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो एंड तक वॉच करिएगा, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो गाइस, ये देखें जी, मेरा एक कबूतर जो है, बड़ा ज़ीरा कबूतर, शाबदार कबूतर जो है, ये उतर रहा है अभी। बेसिकली आज फर्स्ट डे उड़ाया है इस सीज़न में, तो ज़रूरत पड़ गई थी मेन कबूतरों को उड़ाने की। तो पुराने कबूतर जो नए कबूतर जो थे वो सारे के सारे जो हैं पट्ठे पट्ठे हैं वो ज़ाया हो रहे थे। ये देखें, पर बिल्कुल स्लो स्लो चला रहा है अभी। और खैर, काफ़ी लेट इसको पर की दिए हैं हमने, लेकिन ये अभी ये देखने बैठने पे आ गया हुआ है। और ये लगभग ढाई घंटे दो घंटे भी खर्च कर रहा है ये आज। तो देखें अभी इसकी लैंडिंग चेक करिए ज़रा, ये बीच में कभी ऊपर हो रहा था कभी नीचे, काफ़ी टाइम भी नीचे नीचे ही उड़ता रहा ये, ज़्यादा ऊपर नहीं गया। लेकिन जितना भी उड़ा ये नीचे नीचे ही उड़ा है। पहले स्टार्टिंग में ये ऊपर गया, उसके बाद ये नीचे आ गया है। तो ये अकेला ही कबूतर अभी इस हाइट पे यहाँ पे, बाकी सारे जो कबूतर हैं काफ़ी ऊपर हैं इससे। और ये साथ वाले लड़के के इन कबूतर उड़े हुए थे, नए कबूतर के शायद उनके साथ फंसा हुआ था ये। तो ये अभी बैठने पर आ गया हुआ है। मैं इसकी ना यहाँ पर नीचे से ही इसकी जो उड़ा रही है बेसिकली उड़ा चेक कर रहा हूँ। देख कितना मज़ा आ रहा है इसकी उड़ाते, कि स्लो स्लो पर मारता ये और मज़ेदार, छत नहीं छोड़ता ये। बस इसकी खासियत ये है कि छत के ऊपर ही ये मिलेगा। ये नस्ल के जितने भी भाई बहन हैं सारे छत के ऊपर ही उड़ते हैं। तो देखें गाइस, ये यहाँ पे नीचे से अभी बैठने के लिए आ गया हुआ है, बैठने लगा अभी ये, मतलब तकरीबन नीचे हो ही गया हुआ है। तो आप इसकी लैंडिंग चेक करें ज़रा, बड़ा मज़ा आया इसको देख के, काफ़ी टाइम बाद ये उड़ा आज। तो ये आ गया जी, ये देखें ज़रा सामने, ये है जी ये, पर बिल्कुल स्लो स्लो चला रहा है, बड़ा मतलब मज़ा आ रहा है इसको देख के। पर जिस तरह से ये मार रहा है, हवा भी है ऊपर लेकिन इतनी ही नहीं है आज, कम है। लेकिन ये जिस तरह से पर चला रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये देखें, बाजियाँ मार गई इसने आज। तो बैठ ही गया, समझ लीजिए बैठ गया, बस ये फेरे में बैठ गया ये। ये जी देखें ज़रा, तो ये बैठ गया जी, बैठ गया बस। तो अभी इसके अलावा मेरा ऊपर डमरू है, और एक बेबी पिजन है, और एक सलारा नर है मेरा पट्ठा। तो तीनों ही बच्चे हैं वो बेसिकली। तो ये तो बैठ गया, देखिए ज़रा ये बैठ गया जी। तो इसने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बच्चे पाले हैं और पीछे हटाया इसको बच्चों से, ये वो बैठ गया जी, वो बैठ गया बैठ। ये देखें जी, मेरा एक और कबूतर ढल के आ गया। ये जो है, ये जो काला काला दिख रहा ज़्यादा, वो मेरा कबूतर है। अब रह गए ऊपर दो कबूतर, ठीक है, दो कबूतर रह गए। एक रह गया मेरा बच्चा, चीना बच्चा बेबी पिजन, और एक रह गया मेन कबूतर मेरा डमरू। डमरू रह गया जी ऊपर, डमरू नज़र ही नहीं आ रहा मुझे, और वो शायद सबसे ऊपर वाला जो ट्री से उठ रहा है ना, वही है डमरू। डमरू जाता है लंबा लंबा, पर ये अब बैठने पे आ गया वो। ये देखिए जी, आज इसने थोड़ा, चलो खुश किया मन, काफ़ी दिन बाद ये आसमान में गया है, लेकिन उस तरह से नहीं गया ये। बाजियाँ पता नहीं क्यों खेलने शुरू हो गया ये, ना तो इसको पानी दिया आते कि कभी जी, ना कुछ समझ नहीं आई। काफ़ी सारे कबूतर जो है ना बाजियाँ मार रहे हैं, ये अभी भी नीचे नीचे उठ रहा है, और देखते हैं ये आगे क्या करता है। तो फिलहाल रह गया है पूरा, समझ लीजिए एक हफ्ते का। हवा बड़ी तेज़ है यार, हवा देख सकते हैं, हवा बहुत तेज़ चलती है। ये नीचे का दिखा रहा हूँ, ऊपर 500 मीटर क्या हाल होगा हवा का, आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ये ऊपर सारे कबूतर ये बैठने पे आ गया हुआ है, ये बैठ जाए तो फिर मैं छोटी सी वीडियो बनाऊँगा, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा। कल का एक मादी जो है वो ज़ाया हुई हुई है, अभी तक आई नहीं है। तो खैर देखेंगे, आएगी तो ठीक है, उम्मीद तो थी कि आ जाएगी, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो कबूतर शबूतर ये केज में आ गए हुए हैं, ये आ गया जी अपना पट्ठा। तो ये है जी, ये बैठने पे आया हुआ है। तो चले, मैं अभी ये बैठने वाला, तो मैं वीडियो जो है इतनी ही रखता हूँ। और बाकी दो रह गए हैं, एक डमरू है और एक बच्चा है। तो ये तो समझो बैठा ही बैठा है। तो
दो चार गेड़ों में ये बैठ जाएगा, यहाँ मुझे लग रहा है ऊपर को उठ रहा है, नहीं दो चार गेड़ों में मुझे लग रहा है बैठ जाएगा ये, लेकिन उठने का नाम नहीं ले रहा है अभी। चलें जी मिलता हूँ थोड़ी देर में, वीडियो कंटिन्यू करूँगा। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले तीन कबूतर यहाँ पे बाहर छोड़ के गया था, और तीन कबूतरों में से अभी एक ये बड़ी कबूतरी यहाँ पे बैठी हुई है, बड़ी मादी, और दूसरी चपड़ी वहाँ चली गई है। बेबी पिजन का कोई पता नहीं वो कहाँ गया कहाँ नहीं गया, वो पता नहीं रब जाने। ऊपर बिठाए थे मैंने यहाँ पे अड्डे पे, और अड्डे से वो गायब हो गया जी, समझ ही नहीं आई किधर गया वो, कहीं आगे पीछे बैठ गया या फिर बिल्ली बुली ले गई है। देखते हैं, भाई साहब भी नीचे चले गए हैं तो मैं पूछता हूँ उनसे बाद में, लेकिन मुझे यहाँ कहीं नज़र तो आ नहीं रहा। देखता हूँ मैं, क्योंकि नीचे तो बैठने वाला नहीं है वो, अब थोड़ा सियाना हो गया हुआ है, तो बिल्ली भी ले जा सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि कहीं बैठ भी सकता है, तो ये दो पॉसिबिलिटियाँ हैं। अब रब जाने कहाँ गया है वो, किधर गया है। और बाकी जो कबूतर उड़ाए थे उसमें से ये दो कबूतर ये सामने, एक मेरा एक पड़ोसी का है, उसके ऊपर भी एक वो उधर मेरा कबूतर है, तीन कबूतर भी मेरे ऊपर हैं, और जिसमें एक है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कबूतर मेरा डमरू, और दूसरा उसके बाद आ जाता है एक सलारा सा कबूतर है, ठीक है, कल परा कल दुम्बा, लाल आंख का, गोल्डन भी कहते हैं कई लोग ऐसे कबूतरों को, तो खैर गोल्डन भी नहीं है वो, सलारा भी नहीं है, मैं ज़ीरा काउंट करता हूँ उसको, ज़ीरो में से है वो। और बेबी पिजन भी जो है वो भी रेड आईज ज़ीरो में से ही है, और उसके बाद जो डमरू है वो कल्सरों में से है, तो वो अभी तो उड़ रहे हैं, लेकिन बेबी पिजन की समझ नहीं है बेबी पिजन किधर गया यार, या तो भेंट चढ़ गया आज बिल्ली की, बिल्ली ले गई उसको, या फिर भाई ने उसको अंदर कर लिया है। पूछता हूँ ज़रा मैं भाई साहब से कि ऊपर तो नहीं गया बड़े जाल पे। तो ये मादी तो मैंने बाहर छोड़ी हुई थी, इन कबूतरों को भी मैंने दाना पानी करना है, तो ये भी दाना पानी मैं करूँगा, बस अभी दाना पानी करके अभी नहीं करूँगा, थोड़ी देर में करूँगा, इसको मैं बंद कर लूँ ज़रा पहले यार। ये भी बिल्ली का डर है, बाकी और कोई नहीं, जाती कहीं नहीं है, ये बैठेगी, मतलब पुरानी मादी है, 7-8 साल पुरानी। मेन था बच्चे का, बच्चा पता नहीं कहाँ गया वो, तो बच्चा अब देखता हूँ कहाँ गया है, उधर गया ऊपर गया है, चपड़ी मादी तो ऊपर बैठी हुई है, बाकी बच्चे का नहीं पता बच्चा कहाँ है कहाँ नहीं। मौसम काफ़ी धुंधला है आज, और मौसम ख़राब भी है, और प्लस जो कह सकते हैं जी कबूतर थोड़ा आज खुश होके उड़ रहे हैं, और मौसम थोड़ा सॉफ्ट मौसम कह सकता हूँ मैं, इतना हार्ड मौसम नहीं है आज, लेकिन स्टिल मौसम गर्मी का ही है, गर्मी है मौसम के। लेकिन पिछले पूरा हफ्ता जो आज से पीछे जो जितने भी दिन गए हैं इस हफ्ते के, उनमें से ये अभी तक का मैं कह सकता हूँ कि ठंडा दिन है, कोई ज़्यादा वो गर्मी नहीं, लेकिन हवा है ऊपर, हवा में कबूतर ज़ोर मारता है, मुझे लगता है वो भाई साहब ने अंदर कर लिया होगा, इधर लग तो वही रहा है, देख तो उधर जाके खुद ही जाता हूँ, फिर देख के आता हूँ मैं।